हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रिंकी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पत्ते की पूरी। मैंने पालक के पत्ते को अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। मैं कटोरी में हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता ले ली हूँ। अब मैं इसे पालक के पत्ते में मिला लूँगी। और उबलने के लिए कढ़ाई में रख दूंगी। इसे 5 मिनट तक मैं पानी में उबाल लूंगी। यह 5 मिनट में पक के तैयार हो चुका है। मैं अब इसको एक थाला में निकाल लूंगी और इसका पानी निचोड़ लूंगी। अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी मिक्सी में। अब मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं एक बर्तन में 2 कटोरी आटा, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन, जो मैं पालक का पेस्ट बनाई थी, अब मैं इसमें मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लूंगी। मेरा आटा गूंथ चुका है। अब मैं इसका छोटा छोटा लोई बना लूंगी। अब मैं इस लोइयों को अब एक एक करके पूरी बेल लूंगी। अब मैं कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लूंगी और पूरियों को एक एक करके डाल के तल लूंगी। देखिए दोस्तों, अब मेरी पूड़ियाँ एक एक करके फूल रही हैं। अब मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मेरी हरी हरी पूड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं। मैं इसे चिकन और अचार के साथ सर्व की हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।